भारत में रेल का भविष्य कुछ ऐसा होगा। जापान का सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट सिस्टम है रेल। रेल के मामले में जापान दुनिया से सालों आगे है। पलक झपकते ही सरपट दौड़ती यहाँ की हाई स्पीड रेल यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब भारतीय रेल को इसी ओर ले जाने का सपना देख रहे हैं। देश में पहली बुलेट ट्रेन का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। अब मोदी सरकार जापान से 24 बुलेट ट्रेन खरीदने की तैयारी में है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और जापान की कंपनी के बीच इस बाबत एक MOU साइन हो चुका है। 24 में से 6 रेल मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही असेंबल की जाएंगी। सरकार लंबी दूरी की ट्रेनों में सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए RPF में 9000 भर्तियां भी करेगी। इसमें से आधी भर्तियां महिलाओं की होंगी। लंबी दूरी की प्रीमियम मेल एक्सप्रेस और उपनगरीय रेलगाड़ियों में सभी सवारी डिब्बों में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। पहले चरण में 7020 सवारी डिब्बों में CCTV कैमरे लगेंगे। इस पूरी योजना पर सरकार 1.08 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें से 81% फंडिंग जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA के जरिए होगी। ये काम 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।